What's up guys, welcome to KK Hobby. In this video I will show you how I modified my FS-i6S transmitter. तो basically इसमें मैंने दो मोड इंस्टॉल कर रखे हैं. जो फर्स्ट है वो हमारा रिचार्जेबल बैटरी सिस्टम है और इसी के साथ लगा हुआ है हमारा ये बैटरी लेवल इंडिकेटर. और जो सेकेंड मोड है वो ये वाला है जिसमें आप टेलीमेट्री और FEV रिसीवर सिंगल मोबाइल पे एक साथ यूज़ कर सकते हैं. ये आप देख सकते हैं मोबाइल की स्क्रीन पे. ये हमारा जो कैमरे का फीडबैक है और ये रहा टेलीमेट्री का डाटा. तो बेसिकली इसके लिए मैंने एक मल्टी USB पोर्ट यूज़ किया है और जो इसका 5 वोल्ट सप्लाई है वो डायरेक्ट मोबाइल से कनेक्टेड नहीं है. ये कनेक्टेड है वहीं से जहाँ से ट्रांसमीटर को पावर मिलता है. अगर आप डायरेक्टली मोबाइल में कनेक्ट करते हो इस दोनों मॉड्यूल को एक साथ तो ये दोनों मॉड्यूल मिलकर बहुत सारा करंट ड्रॉ करते हैं. तो आपका मोबाइल या तो स्विच ऑफ हो जाएगा या फिर बहुत ही जल्दी डिस्चार्ज हो जाएगा, जो एक अच्छी बात नहीं है. और सबसे अच्छी बात मुझे इन दोनों मोड्स की लगी वो ये है कि एक तो मैंने इसके लिए ट्रांसमीटर का जो केस है इसके साथ कोई भी छेड़छाड़ी नहीं की है, मतलब कहीं भी होल्स वगैरह नहीं किए. जैसे आप यहीं से इसको चार्ज कर सकते हो इसी वाले पोर्ट से जो इसमें दे रखा होता है. तो अगर आप इसके साथ कुछ भी मॉडिफिकेशन नहीं करते हो परमानेंट वाला, तो इन फ्यूचर अगर आप इन मोड्स को रिमूव करना चाहते हो तो ईजीली कर सकते हो और आपका ट्रांसमीटर पहले जैसा हो जाएगा. सेकेंड बात मुझे जो इसमें अच्छी लगी वो ये है कि इसमें आपको एक बोनस बैकअप पावर सप्लाई मिल जाता है. उसको मैं वीडियो के लास्ट में एक्सप्लेन करूँगा कैसे. इन मोड्स को आप FS-i6 में भी इंस्टॉल कर सकते हो, पर उसके लिए आपको एक चार्जिंग के लिए एक कॉल करना पड़ेगा जिसमें आप माइक्रो USB साइज का. इस सेटअप में मैंने 2500 mAh की ऑरेंज लिथियम आयन बैटरी लगाई है और यहाँ से वो चार्ज होती है. तो इसमें आपको चार्जिंग के लिए लगभग 2 से 3 घंटे का टाइम लगता है. और अगर ये पूरा सेटअप आप एक साथ यूज़ करते हैं तो लगभग 3 घंटे तक ये आपका सेटअप चल जाएगा. और अगर आप ये वाला यूज़ नहीं करना चाहते पोर्ट्स जिसमें टेलीमेट्री और FPP रिसीवर हैं, तो अगर आप सिर्फ ट्रांसमीटर यूज़ करते हैं तो लगभग 8 से 9 घंटे तक इस बैटरी का बैकअप रहता है, जो बहुत ज़्यादा है, मतलब कोई दिक्कत नहीं है इसमें. तो लेट्स सी हाउ आई मेक दिस मॉडिफिकेशन. तो इस सेटअप के लिए आपको कुछ कंपोनेंट्स की ज़रूरत होगी, जिसमें एक आपका ये पावर बैंक मॉड्यूल है और ये एक बैटरी लेवल इंडिकेटर है, ये लिथियम आयन बैटरी और एक मल्टी USB पोर्ट और कुछ वायर्स हैं. हालांकि मार्केट में डिफरेंट टाइप के बोर्ड्स मिलते हैं जिसमें आपका बैटरी लेवल इंडिकेटर उसके साथ में लगा होता है, पर एक्चुअली उसके लिए आपको ट्रांसमीटर में होल करने की ज़रूरत पड़ती है. तो मैंने इसको अलग से परचेज किया. बाकी आपको जो सूटेबल लगे आप वो लगा सकते हैं उसमें. तो अब मैं आपको इसका एक कनेक्शन डायग्राम बता देता हूँ. ये है आपका कनेक्शन डायग्राम. जो ये मल्टी USB पोर्ट है ये, और बैटरी लेवल इंडिकेटर हम ट्रांसमीटर से बाहर लगाएंगे, ये पावर बैंक मॉड्यूल उसके अंदर ही लगेगा और बैटरी भी. और जो ये चार्जिंग के लिए माइक्रो USB पोर्ट है वो उसमें ऑलरेडी लगा हुआ है, पर उसमें 5 वोल्ट कनेक्ट नहीं होता जो हम अभी करेंगे. चलिए फिर ट्रांसमीटर को खोलते हैं. ट्रांसमीटर को खोलते समय ध्यान रखें कि स्टिक नीचे की तरफ टच नहीं हो, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव चीज़ है और जल्दी ख़राब हो जाती है.
पे आपको 5 वोल्ट और एक ग्राउंड के लिए वायर कनेक्ट करना है। एक ग्राउंड के लिए आपको पीछे मिल जाएगा, ये नीचे वाले सारे ग्राउंड हैं। और 5 वोल्ट के लिए आपको इस साइड से फर्स्ट वाला वायर पे कनेक्ट करना है आपको। हालांकि ये बहुत डिफ़िकल्ट हुआ मेरे लिए करना इसको, ये देख सकते हो आप, ये मैंने पहले कनेक्ट कर रखा था इसको। अगर आपको ये टफ लगे तो आप इस मॉड्यूल को यहाँ पे वगैरह लगा सकते हैं और होल करके।
फाइनली गाइस हमारा सेटअप तैयार हो चुका है और जो एक नई चीज़ आपको इसमें देखने को मिल रही है वो ये वाला स्विच है जो मैंने अभी लास्ट में ऐड किया है। इसका रीज़न ये है कि जो हमारा ये मल्टी यूएसबी पोर्ट है वो डायरेक्ट कनेक्टेड था पावर बैंक मॉड्यूल से, और क्योंकि ये थोड़ा बहुत पावर ड्रॉ करता है उस वजह से इसकी एलईडी कंटिन्यूसली ऑन रह रही थी और उस वजह से बैटरी डिस्चार्ज भी हो रही थी और हम उसको चार्ज भी नहीं कर पा रहे थे। इसलिए मैंने ये स्विच लगाया है। अब जब हम इसको चार्जिंग पे लगाते हैं तो इस स्विच को ऑफ करके लगाते हैं और फिर चार्ज हो जाती है बैटरी, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। अब हम इसको चार्ज पे लगा कर देख लेते हैं। तो इसके लिए आपको ट्रांसमीटर ऑफ करना पड़ेगा और ये वाला स्विच भी। आपको यहाँ पे एक इंडिकेटर दिख जाएगा, कोई रेड एलईडी दिख रही होगी यहाँ पे, इसका मतलब ये चार्ज हो रहा है। और जब ट्रांसमीटर ऑन होता है तो ये कंटिन्यूसली एलईडी ऑन रहती है लाइक दिस। इस टाइम पे अगर आप इसको चार्ज लगाते हैं तो ये एक्चुअली नहीं होता चार्ज। तो गाइस जिस बैकअप पावर सप्लाई की बात मैं वीडियो के स्टार्टिंग में कर रहा था वो एक्चुअली क्या है, तो इन केस अगर आपकी लिथियम आयन बैटरी को कुछ हो जाता है और उससे पावर मिलनी बंद हो जाती है तो इस ट्रांसमीटर को आप अपने मोबाइल की हेल्प से चला सकते हैं। आपको दिखाता हूँ कैसे। इसमें आपको ये माइक्रो यूएसबी केबल कनेक्ट करनी है ओटीजी की हेल्प से मोबाइल से, और फिर आपको ट्रांसमीटर ऑन करना है। अब इसका आप वोल्टेज दे सकते हैं 4.75 वोल्ट। ये एक्चुअली डायरेक्टली मोबाइल से चल रहा है ट्रांसमीटर, तो अगर मैं इस केबल को निकाल देता हूँ तो ये बंद हो जाएगा। अब मैं इसको फिर से ऑन करता हूँ और अब इसके वोल्टेज देख सकते हैं आप 5.23 है, और ये वाले जो वोल्टेज है वो हमारी लिथियम आयन बैटरी से आ रहे हैं जो ट्रांसमीटर में लगी है। तो अब हम इसमें टेलीमेट्री और एफईपी रिसीवर लगा के देख लेते हैं। तो दैट्स इट, हमारा सिस्टम काम कर रहा है पूरा। तो गाइस इसमें मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगा, मे भी आपको उस बारे में डाउट हो। तो हमने एक यहाँ पे चार्जिंग के लिए 5 वोल्ट कनेक्ट किया था, तो उससे आपके इस ट्रांसमीटर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। मतलब ये पोर्ट्स जिस काम के लिए दिया गया है वो काम अभी हो सकता है इससे। लाइक मैं इसका यूज़ पहले एफ ई पी सिमुलेटर के लिए करता था,
तो अभी भी मैं आपको करके दिखा देता हूँ। केबल कनेक्ट करते हैं, देख सकते हैं दर्शित। ये है हमारा सेटअप। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। आई होप इट विल हेल्प यू टू मेक योर ट्रांसमीटर बेटर।